कराटे आम जिंदगी में सब लोग जानते हैं कि बहुत लोग लेते हैं, उसके लिए बहुत लोग परेशान नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे फैमिली में तो सभी कराटे लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुराने जमाने में तो ये कहा जाता था कि अगर कराटे लेते हैं तो चोर नहीं आएगा आपके घर में, और ये सब नहीं पता था हमें कि कराटे जो है अगर एक बीमारी का रूप ले लें तो एक बीमारी काफी खतरनाक साबित हो सकती है, जिसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है कराटे। होता क्या है कि हमारा जो हवा का लेने का पैसेज है नाक की जोन से लेके गले के यहाँ तक वेरिएबल पैसेज है, मतलब ये पैसेज चेंज होता है, और यहाँ पे अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, रास्ता सुकड़ा हो, नैरो हो, तो हवा जब जाती है उस सकड़े रास्ते से तो आसपास का एरिया जो है वो हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और वो प्रोड्यूस करता है साउंड जिसको हम लोग कराटे कहते हैं। वो आवाज़ जो प्रोड्यूस करता है वो कराटे की आवाज़ होती है। ये तो आम कराटे लेने की एक क्रिया है, काफ़ी लोग कराटे लेते हैं। अगर आप पॉपुलेशन में देखिए तो शायद एक तिहाई लोग कराटे लेते होंगे, पर सबको ही बीमारी नहीं होती। बीमारी तब होती है जब ये जो एरिया जो पैसेज है वो सकड़ा इतना हो जाता है कि हवा का रास्ता बिल्कुल रुक जाता है। जब हम सोते हैं, सोने का मतलब है कि हम कम्प्लीटली रिलैक्स होते हैं, हमारे मसल रिलैक्स होते हैं, हमारे सारे जो 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 दिन भर की जो क्रिया है उसके जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो सब वॉश आउट होते हैं दिन में रात में, और हम फिर अगले दिन सुबह अपने वही स्फूर्ति के साथ काम कर सकते हैं, वही तंदुरुस्ती के साथ काम कर सकते हैं। ये सोने की क्रिया है रात की, ताकि हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें। जब हमारे मसल रिलैक्स होते हैं रात को तो वो ऑलरेडी कलैप्स होने की सिचुएशन में आते हैं। अगर हमारा एरिया नैरो होगा तो कलैप्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा ही बंद हो जाएगा, रास्ता सांस का बिल्कुल बंद हो जाएगा। उस टाइम पे इंसान जो है सांस लेने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन सांस जा नहीं रहा। जब वो सांस नहीं जाता है तो उसकी ऑक्सीजन कम होती है, वो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और वो पीरियड धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है। तो ओवर मंथ्स एंड ईयर्स, सालों और महीनों के अंदर ये जो है एक भयानक सा रूप ले लेता है, जिसको हम लोग स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। उसमें इतनी ज्यादा देर तक सांस नहीं आता कि ऑक्सीजन जो है डेंजरस लेवल पर चली जाती, काफी खतरनाक लेवल पर चली जाती, जिससे कि पेशेंट के हार्ट पे असर हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। इन लोगों में देखा गया है कि 24 गुना चांसेस ज्यादा हैं ये रात में सोते सोते हार्ट अटैक होने, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित रहते हैं। मोटापा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बीमारी का। जो लोग मोटे होते हैं उनको ऑब्वियसली ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, और उनका एरिया जो है सांस लेने का जो पैसेज है उसमें, तो मोटापे की वजह से जो चर्बी हमारे ये मांसपेशियों में आ जाती है जो हमारे सांस के रास्ते में है, इस ये सांस का रास्ता नैरो हो जाता है, कम संकड़ा हो जाता है, तो मोटापे की वजह से ये जो मसल्स हैं ये सब रिलैक्स हो जाते हैं और वो गिरने लग जाते हैं एयरवे के अंदर। जब हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं तो फिर ये बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। तो मोटापा एक बहुत बड़ा वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है इस बीमारी, इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को बढ़ाने में, जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है।